नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। जम्मू कश्मीर और झारखंड में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां करेंगे, तो वहीं झारखंड में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा भी आज कई और बड़े नेता चुनावी रैलियां करेंगे। ये सभी खबरें विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दूसरे दौर के लिए चरम पर चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज झारखंड में रैलियां। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के घोषणा पत्र में सुशासन और समग्र विकास का वादा, कहा खत्म करेंगे आतंकवाद, धारा 370 का जिक्र नहीं। उमर अब्दुल्ला ने दोहराई कश्मीर के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग, कांग्रेस ने उठाया सरकार चलाने की उमर की क्षमता पर सवाल। झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने कहा जीएवीएम को मिलेगी जीत, कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने केंद्र पर लगाया विकास की अनदेखी का आरोप। और आइए शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के चुनावी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर में दो चुनावी सभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे उधमपुर पहुंचेंगे और यहां चुनावी सभा के बाद वो सीमावर्ती जिले पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनकी दूसरी सभा होनी है। जम्मू कश्मीर में आज का दिन चुनावी नजरिए से काफी गहमा गहमी भरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आज जम्मू कश्मीर में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचेंगे। गृहमंत्री राज्य में उड़ी, पहलगाम और कंडा में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद गुल अन्नास, गुलाबगढ़ और चिनानी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते आज नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो राज्य की आंतरिक स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्ध है। एक कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के ज्यादा अधिकार दिए बिना जम्मू कश्मीर में स्थिरता नहीं आ सकती। इधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की शासन करने की क्षमता पर ही सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान निजामी ने कहा कि पिछले 6 साल में उमर अब्दुल्ला राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत को अनदेखा कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि राज्य में हालात बदल चुके हैं और उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने सुशासन और विकास के साथ साथ आतंकवाद के हल का वादा किया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने धारा 370 को शामिल नहीं किया है। हालांकि सूबे के नेताओं का कहना है कि इस मसले पर पार्टी का रुख स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर में पहले दौर के मतदान के बाद गुरुवार को बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट आया। पार्टी ने विकास और सुशासन की तरजीह दी है। बीजेपी ने वादी में अमन का वादा किया है। राज्य में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ औद्योगिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही है। विजन डॉक्यूमेंट में युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात भी कही है। वहीं पार्टी ने अनुच्छेद 370 को घोषणा पत्र में कोई जगह नहीं दी है। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए फौरन मदद का ऐलान भी है। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के सूबे में सम्मानजनक वापसी के साथ उनके लिए विधानसभा में 3 सीटें आरक्षित करने का वादा किया है। हमने टाइम को डिफाइन किया है, टी टूरिज्म, आई इंफ्रास्ट्रक्चर, एम मॉडर्नाइजेशन, ई एम्पावरमेंट। बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के समग्र विकास को घोषणा पत्र में शामिल किया है। बीजेपी का कहना है कि अनुच्छेद 370 पर उसका रुख साफ है और इस बार वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में साल आई बाढ़ ने राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। बाढ़ का कहर झेलने वाले जिलों में से एक है राजौरी। बाढ़ के दौरान नदी का पुल टूट गया, इस वजह से लोगों को रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी होती है।
राजौरी की इस नदी पर कभी एक पुल हुआ करता था, लेकिन वो बाढ़ की भेंट चढ़ गया। अब पुल के निशान ही सिर्फ नजर आते हैं। जान हथेली पर रखकर रस्सियों के सहारे लोग नदी पार करने को मजबूर हैं, और ये यहाँ के बाशिंदों की रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है। हर दिन इस मुश्किल हालात से बच्चों और बुजुर्गों को भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी प्रॉब्लम है। फ्लड में ये जो है पुल के दोनों कोने जो है वो डैमेज हो चुके हैं, और बच्चे जो है वो रस्सों पे आ जा रहे हैं। लोग छोटे बच्चे जो हैं पेरेंट्स को उनको स्कूल छोड़ने के लिए साथ आना पड़ता है, और फिर छुट्टी के टाइम साथ लेके जाना पड़ता है। आनस नाला है ये, एक काफ़ी हाइट वाला पानी आता है, इसमें बहुत पावर होती है और एक ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दुश्वारियों के ऐसे हालात में जिला प्रशासन स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से मदद की बाट जो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, अब इसके लिए प्रॉपर अप्रूवल चाहिए, ये SDRF के अनाउंस में नहीं आता। राजौरी जिले में पांचवें दौर में 20 दिसंबर को मतदान होगा। इस बार चुनाव में यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी और पुनर्वास बड़ा चुनावी मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। आइए अब रुख कर लेते हैं झारखंड का। झारखंड में 2 दिसंबर को होने वाले दूसरे दौर के मतदान के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज झारखंड में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष पश्चिमी सिंहभूम जिले से लगे चाईबासा और जगन्नाथपुर में आज चुनावी रैलियां करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल झारखंड पहुंच रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष उत्तरी सिंहभूम जिले के पतमदा में रैली करेंगी। झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेगी। जमशेदपुर में एक चुनावी सभा में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोग उनकी पार्टी को अहमियत नहीं दे रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद लोगों की राय इस बारे में बदल जाएगी। मरांडी ने यह भी कहा कि किसी चुनावी सर्वे में उनकी पार्टी का जिक्र तक नहीं है, लेकिन जब चुनाव नतीजे आएंगे तो इन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के हटिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। नितिन गडकरी ने कहा कि खनिज संपदा के लिहाज से धनी होने के बावजूद यहां गरीबी है। झारखंड धनवान होने के बाद में भी सबसे ज्यादा कोयला यहां पर आपको बिजली नहीं है, खनिज संपत्ति है पर उद्योग नहीं है, और गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने बीते 6 महीनों में देश के विकास के लिए कोई ठोस पहल नहीं की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन हादसा होने के बाद प्रधानमंत्री के वहां नहीं जाने की भी आलोचना की। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि जनता बीजेपी की असलियत जान चुकी है। 6 महीने हो गया है आज तक, देश का किसान, मजदूर, महिला और नौजवानों का बात नहीं कर रहा है। राहुल जी और सोनिया जी 28 को राहुल गांधी जी आएंगे, और 29 को हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष सोनिया जी आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में 17% करोड़पति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौर में 41 से 50 की उम्र के बीच सबसे ज्यादा 70% उम्मीदवार हैं, जबकि 70 से 80 साल की उम्र का महज एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले दौर की 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें से 37 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और झारखंड इलेक्शन वॉच के मुताबिक प्रमुख दलों में कांग्रेस के 11, बीजेपी के 8, JMM के 5, JVM के 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। संस्था के मुताबिक इस दौर में कुल 60 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दायर हैं, जबकि 42 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। उम्मीदवारों की शिक्षा की बात करें तो सभी उम्मीदवार शिक्षित हैं। इसमें 88 उम्मीदवारों के पास स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री है। 4 उम्मीदवारों के पास डॉक्टरेट की उपाधि है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। झारखंड की पोटका विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। झारखंड के अत्याधुनिक माने जाने वाले जमशेदपुर जिले में पोटका विधानसभा भी आती है, लेकिन विकास की चकाचौंध तो दूर, यहां बुनियादी सुविधाओं के विकास की रोशनी तक नहीं पहुंची है।
ये है पोटका विधानसभा में पड़ने वाला सबर नगर। इसका नाम यहाँ रहने वाली सबर जनजाति के नाम पर पड़ा है। एक दौर में ये जनजाति जंगलों और गुफाओं में रहती थी, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद इन्हें यहाँ लाकर बसाया गया और अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी इनकी हालत बदलने के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। ये पुलिया सबसे पहले हम बनाएंगे, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है सबसे पहले डॉक्टर का 24 घंटा उपलब्ध हम कराएंगे। जहाँ स्कूल में टीचर नहीं है यूनिट के हिसाब में हम उसमें टीचर देंगे। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। लेकिन इन दावों के इतर जमीनी हकीकत क्या है, ये सबर लोगों की जुबानी ही सुनिए। ऐसा नहीं है कि किसी का सलेक्ट इंदिरा आवास नहीं मिलता है, जो गरीब है वो गरीब ही रहता है, वो कभी नहीं आगे नहीं बढ़ सकता। कबे वोट की नेता आशर के आचर हमारा पता नहीं, कोरोना ही जाने। ये इमारत सबर लोगों के लिए हॉस्टल के तौर पर बनाई गई थी और इस इमारत में स्कूल चलाया जाता है, लेकिन दोनों इमारतों की हालत सबर जनजाति के मौजूदा हाल से रूबरू करवा रही है। सरकारी अनदेखी से परेशान यहाँ के लोगों ने अब खुद अपनी सूरत बदलने का जिम्मा उठाया है। कुछ युवा चंदे के पैसों से बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को कुछ मदद दे ताकि 100 बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। एक टाइम खिचड़ी मिलता है और खिचड़ी में क्या दिन भर चल सकता है? ऐसे भी बच्चा है जिसका घर नहीं है, जिसका गार्जियन नहीं है, उनका क्या होगा? सबर नगर समेत पूरे पोटका के हालात कमोबेश एक ही हैं। यहाँ के बाशिंदों को फिलहाल उम्मीद है कि 2 दिसंबर को होने वाला मतदान कम से कम इस बार उनके लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप देखिए वर्डिक्ट। नमस्कार।